चलिए स्टार्ट करते हैं क्लॉक लेक्चर नंबर 2। इसके पहले हमने कौन कौन से क्वेश्चन देख लिए इसमें कि घड़ी क्या होता है, तो घड़ी में क्या बताया, 1 से लेकर 12 तक कितने होते हैं, 1 से लेकर 12 तक ये सुइयां होती हैं, बताया था ना। तो इसमें मैंने बताया घड़ी के सुइयों पर आधारित प्रश्न, कौन सा, घड़ी की सुइयों पर आधारित प्रश्न मैंने बता दिया कि भैया कितने बज के कितने मिनट पे कितने एंगल का कोण बनेगा, आया समझ। अब इसके बाद हम तो देखना ही चाहते, कई बार हमको बुक में कई बार बुक पढ़ते हैं तो बुक में फार्मूला लिखा रहता है तो उसको बताते हैं फार्मूला आते कहां से। जैसे बोलेगा इन जनरल एज बज के 1 मिनट इन जनरल कोई भी एंगल निकालने के लिए, तो मैंने बताया था कि भैया एंगल 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री, तो एच गुणा 30 करो कितना रहेगा 30 एच, इसमें आधा गुणा करो है ना, आधा मिनट प्लस एम बाई टू माइनस इसका गुणा करेंगे 6 एम, तो ये हो जाता है थीटा कोण। ये फार्मूला आप लोग पढ़ते हो सर, बुक में दिया रहता है, रट दे फार्मूला, मतलब है नहीं रहता है लेफ्ट फार्मूला, 6 × 12 30H प्लस कितना माइनस 6 × 12 में से किया तो 11/2 m। तो कई लोगों को फार्मूला पसंद होता है उनके लिए कि भैया फार्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हो, ये वाला फार्मूला है, लेकिन मैंने को जनरली रटना पसंद नहीं है ना, समझना ये फार्मूला होता है, फार्मूला नोट कर सकते हैं कि डायरेक्ट एंगल कैसे निकालते हैं। तो 30H माइनस 11/2 आया समझ, यही पुस्तक में लिखा है बीच में को डायरेक्ट तो रट देता मतलब ही नहीं रहे कहां लगे कैसे ठीक बोला थी कौन है कहां से आया कोई मतलब नहीं, बस हमको रट देते तो समझ जाकर कुछ है। जैसे एग्जांपल अभी हमने कितना बनाया था, 8 बजे कितना बनाया था, 10 मिनट बताया था। चलो इसको ना इसी फार्मूले में बनाओ, डेटा कितना हो जाएगा चलो बताओ, 30H 30 गुणा H, H मतलब ये हो गया एच बच के कितना हो गया सर बताओ, 8:10 निकालना है, 8:10 तो चलो लगाओ फार्मूला इसमें, 8:10 8:10 चलो H से 11 हो गई 8 एकदम जल्दी आ जाएगा 30 × −11/2 m का मान 10 × 10 का तो गुणा 2 एकम आगे 3 × 8 = 340 −11/5 = 100 यही आया था सर, आया था कि नहीं, बस थिंक करने देखो वही है, लेकिन हम जल्दी बनाना सीख रहे हैं, चलना सीख गए अब दौड़ना। चलो एक क्वेश्चन और इसी फार्मूले बेस पे बनाओ सब लोग, 2:20 पे निकालिए सर जल्दी से, फार्मूला क्या है हमारा, थीटा बराबर 30H − 11/2 m, जल्दी से बनाइए, 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए, 50 डिग्री बढ़िया। 30 गुणा क्या कर देंगे 2 − 11/2 × 20 60 × 2 = 100 = −, बताया तो −50 से मतलब नहीं, हमको 50 माइनस प्लस से ले लेना नहीं, बस हमको एंगल निकालना है। अब हम बता भी दिया था एंगल माइनस क्यों होता है और प्लस क्यों होता है ना, पहला लेक्चर देखेंगे उसमें समझ जाएगा। यस सर, क्लियर हो गया? यस सर। कितने लोग क्लियर हो, फार्मूला बेस्ड बन जाएगा ठीक। अब उल्टा पूछेगा, चलो उल्टा कैसे पूछेगा देखना, कुछ इसी में इसी का टाइप टू, टाइप टू, टाइप टू, जैसे अभी क्या बोला था 7:20 पे एंगल कितना था, अब बोलेगा 7:00 पर एंगल इतना होगा, रिश्ता वही सोच में। चलो
क्वेश्चन ऐसा बोलेगा, 7:00 कितने मिनट पर, 7:00 कितने मिनट पर सुइयों के बीच का कोण, सुइयों के बीच का कोण, बीच का कोण 30 अंश होगा। चलिए टाइम स्टार्ट नो, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं 7:00 कितने मिनट पर, कितने मिनट हम लोग एम मिनट पर, घड़ी के सुइयों के बीच का कोण कितना है इस बार 30 अंश। कैसे करते थे पता है, ट्रेडिशनल तरीका, गुड़ा 30, 7 किया माइनस एम का 1/2, सेम करते थे, कर देते कि नहीं सर, तो कितना हो जाएगा एम बाय माइनस प्लस, ये प्लस था, ये प्लस इसका माइनस, अभी थोड़ा बात कर लेते हैं, कर लोगे सेम, पहले इसको थीटा को निकालते थे इस बार में, ऐसा 7:30 फिर वही कहानी, m को किससे गुणा करते थे, फिर माइनस करके, अब 10 मिनट दे देता था, एक मिनट दे दिया, बाकी इसका वही सोच, 10-10 उधर लिया, तो इसको 30 उधर लेते, तो 11/2 होगा ना, 6×2=12 में सेंगे तो 11/2 m बराबर कितना हो जाएगा, 210 में से कितना गया सर 30, 210 में 30 कितना बचा, जल्दी बोलो 180, और ये एम गुड़ा 2/11, 180 दुनी 360/11, अब गुड़ा भाग करने आता है, 11 दिया 33, 3×11=22 सही 8/11 सही बटे तोड़ने आता है ना, देखिए इंजीनियर साहब सही बटे तोड़े नहीं आए, कैलसी बना वो सब बना बना कैलकुलेटर सही बटे तोड़ने दिए, देखो 360 जिन लोग नहीं जानते ऐसे भाग दो सर, देखो ध्यान से कोई बात नहीं है ना, यही सीखेंगे सर, इंस्टाग्राम वाली जान से 11 किया 33 कितना बचा, 11 दुनी बोलो जल्दी 22, पाड़ा याद रखो, बोल रहा हूँ कितना बचा सर 8, तो 8 हाँ कितना हो गया 32, जो इधर आए ना भागफल को ऐसे लिखते हैं, और जो भाग दे रहे हैं उसको नीचे में 11, और जो बचा उसको रिमाइंडर को, आया समझ में, हमें इंस्टाग्राम वाली जनरेशन कैलकुलेटर वाली जनरेशन इसी में तकलीफ होता है सर बाद में, 32 क्लियर 32 निकाल ली उससे काम नहीं चलेगा, 8/11 भी निकालना पड़ेगा सर, देख लो ध्यान से ट्रेडिशनल तरीका, लेकिन ये तरीका हमको अप्लाई करना सर एग्जाम में, सिखाने के लिए बताया, कुछ भी नहीं जानोगे तो ये तो याद रहेगा ना ठीक, लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे और जल्दी होएगा। चलो तुमको थीटा का फार्मूला क्या बनाया था मैंने, थीटा का फार्मूला आया था बोलो, 30h माइनस 11/2 m, अब मेरे को निकालना है m का मान, तो कैसे निकालोगे इस पे चले आओ, 11/2 m बराबर 30h प्लस माइनस थीटा, क्योंकि एक बार बताया था प्लस भी होता है माइनस भी होता है थीटा, इसलिए एक बार प्लस एक बार माइनस, 2/11 30h, ये कई पुस्तक में देखा होगा तुम लोग प्लस माइनस देखे होगे नहीं, ये फार्मूला देखे होगे सर, कहां से आते हैं क्यों आते हैं जब चुनेंगे, अब आसान लगा फार्मूला को लिख लेना, अब देखो डायरेक्ट बनाना सिखा रहा हूं, अभी कितना बताया था 7:00 कितने मिनट पर, एक मिनट पर कितना एंगल बताया था 30 अंश, क्या रखोगे एम का मान यहां देख लो ध्यान से, जल्दी कैसे आएगा इस बार लिखना, चलो जल्दी बोलो क्या हो जाएगा 2/11 30h, h क्या रखोगे
सात बज के कुछ मिनट कितना हो जाएगा, 30 गुणा 7 माइनस की प्लस, प्लस दोनों होता है सर, प्लस भी होता है और माइनस भी, तो एक बार प्लस रख के देख लेना, एक बार माइनस जैसे प्लस रख के देखा, चारों ऑप्शन में नहीं दिखा तो माइनस रख के देखो, है ना, पूरा डिटेल पता होना चाहिए, प्लस रख के देखे, एक फार्मूला रट के चल दे है, ट्रिक मन लेके चल दे है, अभी नहीं करी, 60 का नहीं होता सर लाइफ में, कितना हो गया, एक बार माइनस 30 ले लेते हैं, चलो एक बार प्लस 30 ले लेंगे, ऑप्शन में नहीं रहेगा, समझ में आएगा, चलो जल्दी बड़ा भाग करो, 3 × 7 = 210 में से 30 गया तो आ गया सर वही है कि नहीं, यस सर, 11 किया था 11 दिन 22 से 8/11 ऐसे भी, ये फास्ट कैलकुलेशन, ये ट्रिक, फास्ट कैलकुलेशन करोगे ये प्रैक्टिस से आएगा सर, ऐसे तुरंत लिखना ऐसे प्रैक्टिस से आएगा, आया बात समझ, जल्दी बनेगा 30 7:00 कितने मिनट पर 30 अंश का कोड बनेगा, तो ये चेक करने के लिए आपने घड़ी से मिला भी सकते हो कि नहीं मिला सकते हो, लगभग 30 अंश आ रहे हैं, देखो 30 करेक्ट आ गया, तो 30 इस साइड में बनेगा, तो एक बार क्लॉक वाइज होगा एक बार, इसलिए प्लस भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी नहीं होता, इसको देख लो भैया, ऑप्शन ये वाला, तो ये वाला ऑप्शन में नहीं है तो ये वाला हो सकता है, तो एक बार माइनस रख के देख लो एक बार, ऑप्शन आ जाए, यही बात समझ, कितने लोग आए बात समझ कि भैया एंगल कैसे निकाल, चलो एक क्वेश्चन आप दे रहे हैं सर, चलो जल्दी बना, एक क्वेश्चन आप दे रहे हैं, आया समझ में सबको, तो लिखो 8:00 कितने मिनट पर घड़ी के बीच का कोण 90 अंश होगा, इसी को सम कोण लिख देता है, क्या लिख देता है, इसी को सम कोण, बात एक ही है, सम कोण होगा 90 अंश होगा, बात एक ही है सर, चलिए 90 डिग्री पड़ेगा, तो देखो जब क्या बताया था, एम का फार्मूला क्या था, 2/11 30h प्लस माइनस, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, तो पहले माइनस ले लेते हैं, तो माइनस लो पहले, 2/11 30h का मान 8:00 होगा, प्लस एंगल माइनस 90 बराबर 8×24 240 में से 90 किया कितना बचेगा, 150 दुनी 300/11 देखो कैसे जल्दी सॉल्व करते हैं, 11 दुनी 22 कितना बचा सर, 8 11 सत्ते 77 सही, 3/ आया, कितने लोग शायद ना आया समझ, 11 दुनी 22 2 बचा 8 बचा 80 11 70 77 कितना बचा, 3 ऊपर में लिखे 11 आई बात समझ, कई बार क्या होता है सर, अभी एक पेपर में दे रहा था मैं, उसमें मिनट में दे दिया था सर, इसी को मिनट को सेकंड में दे दिया था, तो बोला था 27:00 कितने सेकंड पर, तो 27 पूरा मिनट हो गया, प्लस 3/11 मिनट, अभी मैंने सिखाया था कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो सेकंड में देखा 60 गुणा कर देना सर, आपको दिक्कत, 8 कितना सर, तो 27 पूरा मिनट प्लस 8 कितना हो गया, 180/11 ग्यारह एकम कितना बचा, 7 11 × 6 सही 4/11 सेकेंड, ये भी आप सब दे सकता है, 27 मिनट और कितना सेकेंड दे सकता है कि नहीं, हर कंडीशन के लिए तैयार रहना पड़ता है हमको, हो सकता है इतना पढ़ के गए यार, तो गुरुजी बताए थे से तो जानता है कि नहीं, एक मिनट में 60 सेकेंड होते है कि नहीं, है ना, हर चीज बताई नहीं जाती, गुड टीचर नेवर टीच ऑल द टॉपिक्स, लेकिन मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, आई बात समझ सबको, इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लॉक्स और जो डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में, ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।